शास्त्री जी को मार दो, लाल बहन को मार दो, शास्त्री जी को मार दो, आदर्श वर्धन को मार दो, आदर्श वर्धन जिंदाबाद, आदर्श वर्धन को मार दो, आदर्श वर्धन जिंदाबाद, शास्त्री जी को मार दो, लाल बहन को मार दो, आदर्श वर्धन को मार दो। मारो! मंत्री जी आगे चलिए, मंत्री महोदय, मंत्री महोदय, एक हार तो दो ना। अच्छा थोड़ा फूल तो दो। अरे क्या कंजूस लोग यार, मेरी चमचागिरी तो रहेगी, मैं मंत्री जी के हार कहाँ से लेके जाऊँ? अरे मेरा हार कहाँ गया? आपके पास मेरा हार कैसे आया? उड़ के, मेरे पास पैसे नहीं थे ना, तो अब मैं क्या मंत्री जी को पहनाऊंगी? अरे तुम्हारे पास इतनी अच्छी बाहें हैं, बाहों का हार पहनाओगे तो मंत्री जी खुश हो जाएंगे। मैं इस राव हार पहना क्या जाता हूँ? अरे अरे अरे, श्री आदर्शवर्धन, श्री आदर्शवर्धन, श्री आदर्शवर्धन, श्री आदर्शवर्धन। आप जिस आदमी के कंधे पे हाथ रख रहे हैं, ये तो नहायत ही बदतमीज आदमी है। मोहतरमा, आज के जमाने में जो बदतमीज बदमाश होता है वही दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की करता है। क्यों सर? तुम तो शास्त्री जी के प्यादे हो। हूँ नहीं था। वो भूकंप आने से पहले जानवर कैसे गांव छोड़ के भाग जाते हैं, उसी तरह शास्त्री जी के इलेक्शन आने से पहले ही मैं उनकी नौकरी छोड़ के भाग गया। अभी आपकी शरण में आ गया हूँ। सर इसकी कोई मदद मत कीजिएगा, ये बिल्कुल गद्दार आदमी है। सर जो ईमानदारों से गद्दारी करेगा वो गद्दारों से ईमानदारी करेगा, ये बहुत बड़े झूठे ने कहा है। आदमी दिलचस्प भी हो और चालाक भी। आज तुम हमारे प्यादे हो। स्वामी जी, आपके आशीर्वाद से मैं इलेक्शन जीत गया, मैं मंत्री बन गया। आपने मुझसे कहा था कि यज्ञ में कुछ भस्म करो, इसलिए सबसे पहले मैंने अपनी वर्दी भस्म कर दी। फिर आपने मुझसे कहा था कि बेटा तुम्हारे पास जो भी अस्त्र शस्त्र हो उसका इस्तेमाल करो, इसलिए मैंने बाबू जान और रोजी के गुंडों का इस्तेमाल किया और इलेक्शन जीत लिया। और ये मंत्री जी की तरफ से आपके हुजूर में 38 लाख का नजर आना। लेकिन मैंने तो 40 दिए थे। 2 लाख का बैग भी लिया ना? 2 लाख आ गया ये क्या? नहीं, बैग लिया 2 लाख का। अरे सिद्धांत आ गए। बहू कैसी है? वो अच्छी है। आप सुनाइए, इलेक्शन में ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया ये सब? जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है सिद्धांत। इस इलाके के इलेक्शन में खड़े होने के लिए या तो आदमी को गुंडा बनना पड़ेगा या तो सिर्फ गुंडे ही इलेक्शन में खड़े हो सकेंगे। नारायण,
नारायण नारायण, आपने बिल्कुल सच कहा। इन्होंने भी इलेक्शन जीतने के लिए गुंडागर्दी की, बम मारे, बूथ कैप्चरिंग की, पता नहीं क्या क्या कर डाले। आप ये मत समझना कि मैं आपके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आया हूं। आप मेरे पुराने मालिक हैं और आप ही की कुर्सी मुझे मिली है। मैं तो यहां पर सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। आशीर्वाद दीजिए मुझे। नहीं देना कोई बात नहीं, वो क्या कि मैं जरा जल्दी में हूं, मीटिंग का वक्त हो गया है। आइए आप चलिए, मैं दो मिनट में आता हूं। क्या मेरे पुराने मालिक है ना, मैं भी जरा आशीर्वाद लेकर आता हूं। जल्दी आ जाना, बस अभी आया। मालिक मुझे एक आशीर्वाद दीजिए। ये जो मेरा नया मालिक है ना, ये जितना कमीना है, जितना 420 है, जितना बेईमान है, जितना खबीस है, उससे ज्यादा हो जाए, ताकि इसके घर में दौलत की गंगा बह कर आए, उस गंगा में थोड़ा सा नहा लूं। मुझे अभी तो कुछ मिला नहीं है, एक मरे आदमी की टोपी मिली है खाली। ये आशीर्वाद तो आपको देना पड़ेगा। आशीर्वाद दीजिए ना, दीजिए ना, दीजिए ना। तुमने मुझे सब इंस्पेक्टर की वर्दी में देखा था, आज इस हाल में देख रहे हो, क्या ख्याल है तुम्हारा? लोग कहते हैं इस देश में सोने की चिड़िया रहती थी, उस चिड़िया के पर किस किस ने नोचे और उसे मार डाला, ये तो मैं नहीं जानता। हां मगर मैं इतना जरूर जानता हूं, वो सब के सब तुम्हारी तरह स्वार्थी और नीच होंगे। इंस्पेक्टर, जब से नेता बना हूं, गालियां और तालियां दोनों का बहुत मजा आ रहा है। और वैसे भी मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी और आज मैं मिनिस्टर हूं। इंस्पेक्टर, तुम्हारा श्राप मेरे लिए वरदान बन गया। मेरा श्राप हमेशा तुम्हारे लिए श्राप रहेगा। चोला और कुर्सी बदल जाने से आदमी की जन्म कुंडली नहीं बदलती। और एक बात याद रख लो कि चोले और कुर्सी के साथ साथ अगर तुमने अपना बर्ताव नहीं बदला, तो जो खेल मैंने तुम्हारे साथ बंद कमरे में खेला था, वो मुझे सरेआम खेलना पड़ेगा। वो खेल तुम बंद कमरे में इसलिए खेल सके इंस्पेक्टर, क्योंकि तुम्हारे सर पर तुम्हारे बाप का साया था और उस वक्त तुम्हारा बाप होम मिनिस्टर था, लेकिन अब मिस्टर आदर्शवर्धन, सिपाही को किसी साये की जरूरत नहीं होती, वो चलचलाती धूप में भी अपने दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। बहुत गुर्रा रहा है, लेकिन याद रख इंस्पेक्टर, एक दिन मैं तुम्हें अपने पीछे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाने पे मजबूर कर दूंगा। अभी अभी अंदर तुमने मेरे बाबूजी के पांव छुए, इसलिए मैं तुम्हें मौका देता हूं कि तुम यहां से सही सलामत। मिस्टर सिद्धांत, आजकल हर मिनिस्टर की सिक्योरिटी पर सरकार बहुत ध्यान दे रही है। एक नए मंत्री जी ने अपने बॉडीगार्ड के लिए तुम्हारा नाम दिया, जिसे हमें मानना ही पड़ा। कल से तुम उनके बॉडीगार्ड रहोगे। वो मंत्री हैं श्री आदर्श वर्धन। लेकिन याद रख इंस्पेक्टर, एक दिन मैं तुम्हें अपने पीछे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाने पर मजबूर कर दूंगा। सर, ये मुझसे नहीं होगा, मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें एक रात और देता हूं ताकि तुम अपने फैसले पर गौर कर सको। सिद्धांत, मैं जानता हूं तुम आदर्श वर्धन को पसंद नहीं करते, तुम्हें उससे नफरत भी है, लेकिन यह तुम्हारा निजी मामला है। एक इंस्पेक्टर होने के नाते इन सब बातों से ऊपर उठकर तुम्हें